हेलो एवरीवन, बात कर रहे हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चंस की। जो क्वेश्चंस कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है ना। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा जाए तो आपका चैप्टर नंबर है 4। ओके, इसके कुछ क्वेश्चंस हम पहले भी कर चुके हैं। आपके सामने जो क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखे हैं, 2 क्वेश्चन है जिनको हम सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है अंडर रूट, फर्स्ट क्वेश्चन, √2x² + 7x + 5√2 = 0। इसको क्या करना है, सोल्व करना है, लेकिन कौन सी मेथड का यूज़ करना है, फैक्टराइजेशन मेथड। अब फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके किस तरह से सोल्व किया जा सकता है, ये हम देख रहे हैं। तो देखिए, फैक्टराइजेशन मेथड का जब यूज़ कर रहे हैं तो हमें ये याद होना चाहिए कि बीच वाली चीज़ के ऐसे टुकड़े करना है, 2 पार्ट में डिवाइड करना है, कि जिसका 8 करें तो 8 करने पर कितना आना चाहिए, 7 आए। और जब इसको मल्टीप्लाई करें हम लोग तो कितना आए, मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 5, हाँ √2 × 5√2। दोनों को यदि मिला देते तो कितना हो जाता है, 5 × 2 कितना हो गया, 10। 8 करने पे कितना है, 7, और मल्टीप्लाई करने पर 10, तो 5 और 2 कितने होते हैं, 7, और 5 × 2 = 10। तो इसके हम टुकड़े कर देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, √2x² + 5x + 2x + 5√2। ठीक है, यहाँ देखिए इतने इतने में से क्या यहाँ से कुछ कॉमन आ सकता है, तो यहाँ से x कॉमन आ सकता है, अंदर कौन बचेगा, √2x + 5। लेकिन यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा ऐसा जिसको हम कॉमन ले सकते हैं, तो उस कॉमन लेने के लिए क्या करेंगे हम लोग, नहीं 2 का कॉमन आ सकता है, जब वहां यहाँ पे √2 है और यहाँ पर 2 है, तो हम क्या करें, 2 को क्या लिख देंगे, √2 × √2x, साथ में कौन आ गया, 5√2। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर √2 को भी कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए, इसको √2 को कॉमन कैसे लिया जा सकता है, नेक्स्ट स्टेप में √2x + 5, यहाँ से यदि √2 को कॉमन लिया तो बचेगा √2x + 5। देखो, हमने पहले भी बताया कि ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम होना चाहिए, तो हमने देखा कि √2x + 5 और 1 हो जाएगा आपका x + √2 = 0। यहाँ से 2 चीजें हो जाएगी, √2x + 5 = 0 और 1 हो जाएगा x + √2 = 0। तो √2x = −5, ओके, और x = क्या आ जाएगा आपके पास, x + √2 = 0 था अपना, तो x = हो गया −√2, एक वैल्यू ये आ गई, और यहाँ से x = हो जाएगा −5/√2। इस तरह से हमने इसकी 2 वैल्यू को फाइंड आउट किया, ये मेथड कहलाती है कौन सी, फैक्टराइजेशन मेथड। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसी को भी फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, √2x² - x + 1/8। ये सारे 2 मार्क्स 3 मार्क्स में आते हैं अधिकतर, पर अपन मोस्टली 2 मार्क्स के क्वेश्चन लेके इसको सोल्व कर सकते हैं। यहाँ देखिए 8 दिखा, पहले तो इनको सिंप्लीफाई कर लें, एलसीएम ले लें, तो 8 × 2 कितने हो जाएंगे, 16x हो जाएगा, 8x हो जाएगा +1, और 8 जो 0 अपॉन में जाएगा वो कहाँ चला जाएगा, 0 में चला जाएगा। फिर 8 के कितने टुकड़े करने हैं, 2, कैसे, 8 करने पे कितना आना चाहिए, -8, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 16 × 1, मतलब कितना हो गया, 16। तो ऐसी संख्या क्या होगी, 4 और 4 8, और 4 × 4 16 हो जाएंगे, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 16x² + 4x + 1 = 0। ओके, अब यहां देखिए और यहां देखिए, यदि मैं यहां से 4x को कॉमन ले लूं तो यहां बचेगा 4x, यहां पर 1, यहां -1 निकला, 4x + -1, है ना, प्लस माइनस माइनस जाता है, दोनों संख्याएं सेम होना चाहिए। तो यहां से क्या होगा, 4x - 1 कॉमन, दूसरा भी 4x - 1 कॉमन हो गया, क्या हो जाएगा, या तो 4x - 1 0 के इक्वल होगा, और 4x - 1 = 0 होगा।
तो 4x is equals to 1 और 4x is equals to 1, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 1 by 4 और यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई 1 by 4। तो इस तरह से हमारे पास दो रूट्स इसके फाइंड आउट हो गए। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको रूट्स निकालना है और क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है। क्या निकालना है? रूट्स निकालना है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है। तो हम किसी भी मेथड का यूज करके इसके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि सिंपल से जो है फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, फॉर्मूला मेथड का यूज कर सकते हैं। अधिकतर बच्चों को क्या फॉर्मूला मेथड बहुत अच्छी लगती है। तो पहला देखें हम क्या दे रखा है, 2x² - 7x + 3 = 0। बताइए एड करने पे कितना आना चाहिए? 7 और मल्टीप्लाई करने पर 2 into 3। ये ए वाली चीज और सी वाली चीज प्लस होती है, इंटू होती है हमेशा। ठीक है, तो ऐसी संख्या बताओ सेवन और सिक्स आ जाए, 6 + 1 और 6 × 1 = 6, है ना। तो क्या लिखूंगा इसको मैं, 2x² - 6x - 1x + 3 = 0। यहां देखिए इसमें से क्या कॉमन आएगा, 2x, तो अंदर बचेगा x, 2 × 3 = 6। यहां से माइनस कॉमन लिया तो जो माइनस की चीज थी वो प्लस की, और प्लस की काई की हो जाएगी माइनस की। इन दोनों में देखो ये दोनों चीज कॉमन, हमने पहले ही बता रखा है कि दोनों चीजों में कॉमन आना चाहिए। और यहां बचेगा 2x - 1 = 0, क्या हो जाएगा x - 3 = 0 और एक हो जाएगा 2x - 1 = 0। तो x = 3 हो जाएगा और 2x = 1, तो x = 1/2। तो इस तरह से हमारे पास दो वैल्यू हो जाएगी। एक और आपके पास दे रखा है इसी का क्वेश्चन, उसी को देख ले हम लोग, y + 1/y = 3। ऐसे हम लेना आता है हमको, y का इंटू y में करेंगे तो y² + 1/y = 3। अगली स्टेप हो जाएगी y² + 1 = 3y, रीअरेंज कर ले, क्या हो जाएगा y² ये 3y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा +1 = 0। बताइए एड करने पे कितना आना चाहिए, एड करने पर 3 और मल्टीप्लाई करने पर y × 1, यहाँ पर 1 है तो 1 और यहाँ पर भी 1 × 1 कितना हो गया 1। तो ऐसी संख्या बताओ 2 + 1 है ना, 3 और 2 × 1 मल्टीप्लाई करने पर 1 आना चाहिए, यहाँ कुछ गड़बड़ है क्या, देखो एक बार 3y, एड करने पर 3 और मल्टीप्लाई करने पर 1 हो सकता है क्या? नहीं होगा, यह तो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। क्या ऐसा हो सकता है क्या? जब ऐसा नहीं होता है तो हमारा जब इसका जो मेथड है वो यूज करने पर नहीं आ रहा है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम फॉर्मूला मेथड यूज करेंगे। जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो पाती है तो हम क्या करेंगे उसमें फॉर्मूला मेथड करेंगे। तो चलो इसको हम रब कर देते हैं और हम इसका फॉर्मूला मेथड यूज कर देते हैं। ओके, देखिए चलिए उसको वापस लिख देंगे एक बार। ओके चलिए ये अपने रफ किया, अब हम कौन सी मेथड लगाएंगे, फॉर्मूला मेथड। देखिए फॉर्मूला मेथड का कैसे यूज होगा, यहां पे सोल्व किया था हमने तो ये हो गया y² - 3y + 1 = 0। अब बताइए a की वैल्यू कौन 1, b कौन -3, c कौन 1। फॉर्मूला क्या है, x = -b + √b² - 4ac / 2a। ये कौन सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला मेथड। ये किसने दिया था, श्रीधराचार्य ने दिया था। ओके, तो श्रीधराचार्य ने जो फॉर्मूला दिया था ये फॉर्मूला संस्कृत में लिखा हुआ है, इसको फिर काय में कन्वर्ट किया गया, मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखा गया। b की जगह पर -3 या +b, यहाँ पे क्या जाएगा आपका -3² हो जाएगा। तो देखिए ये हो गया आपका -3² - 4 × 1 × 1। ओके, 2 × 1 अपॉन में बचेगा 2 × 1 +3। ठीक, अब क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, 3 × 3 =
9 माइनस का 4 अपॉन में 2 सोल्व करिए 3 प्लस माइनस क्या बचेगा 5 5 बचेगा ना बच गए 5 ये आ गया 5 अपॉन में 2 अभी किसके बराबर था x एक बार कौन सा साइन लेंगे प्लस साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा x इक्वल 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2 एक बार कौन सा साइन लेंगे माइनस का साइन लेंगे तो x इक्वल हो जाएगा 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2 ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने कौन सा फॉर्मूला मेथड से भी कर सकते हैं जब उसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो पाता है तो कहाँ जाएंगे उसके लिए हम लोग फॉर्मूला मेथड पे जाएंगे ठीक है। नेक्स्ट देखें नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है देखिए क्या दे रखा है पढ़ा आप लोगों ने पढ़िए क्या दे रखा है फाइंड द टू नंबर्स वो सम कितना आना चाहिए 17 एंड द प्रोडक्ट उनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 72 तो ऐसी संख्या कौन सी होगी यदि हमने ले लिया लेट बी द नंबर पहले फर्स्ट नंबर ले लेते हैं फर्स्ट नंबर बी एक्स है ना दो नंबर का सम 17 है एक नंबर एक्स हो गया देन अदर नंबर है ना देन अदर नंबर एक्स माइनस 17 नहीं होगा 17 माइनस एक्स होगा कितना होगा 17 माइनस एक्स क्यों होगा यदि मेरे पास 10 रुपए थे मैंने यदि इसको 3 रुपए दिए तो कितने बचे 7 रुपए कैसे निकाले हमने 10 में से 3 को माइनस किया तो यदि मेरे पास 17 रुपए है यदि मैंने इसको एक्स दे दिया तो बचा कौन 17 माइनस एक्स बचा। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन या क्वेश्चन दोनों नंबर का प्रोडक्ट यदि इस नंबर को और इस नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो वैल्यू कितनी आ जाती है 72 तो हो जाएगा x इंटू 17 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 72 ये हो जाएगा 17x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 72 अब रीअरेंज कर लें इसको इधर उधर पहुंचाएं तो एक्स स्क्वायर माइनस का 17x प्लस 72 इज इक्वल्स टू 0 आप बताइए इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो सकता है क्या हो सकता है बताइए ऐसी संख्या 17 कैसे होगा 17 बताओ नंबर और इधर आएगा x x प्लस 72 8 करने पे कितना आना चाहिए 17 और मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए x into 72 तो ऐसी संख्या क्या हो सकती है बताइए हो सकता हो देखो इसका एक तरीका यूं भी होता है कि अपन फैक्टर करते हैं ना लिख दिया अपन ने 72 उसके फैक्टर निकाल लो 2 से 36 2 से 18 2 से 9 3 से 3 और 3 3 जा 9 ठीक है तो देखो 3 3 जा 9 2 जा 18 वो तो ही नहीं सकता 2 2 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 में से भी यदि 3 माइनस करेंगे तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि ये चीज आएगी हम क्या करें फॉर्मूला मेथड लगाएं ए इक्वल कौन है 1 बी इक्वल माइनस 17 सी इज इक्वल टू 72 फॉर्मूला क्या है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a ये लिखा अपन ने माइनस माइनस प्लस का 17 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 17 का होल स्क्वायर आगे क्या हो जाएगा माइनस 4 इंटू 1 इंटू 72 अपॉन में 2 हो जाएगा हो जाएगा तो अब क्या करें नीचे 2 इंटू अपॉन 2 इंटू 1 आप जानते हैं 17 इंटू 17 कितने होते हैं आई थिंक 289 होना चाहिए कितना होता है 289 होता है क्या 17 इंटू 17 कितना होता है आपका 289 और यदि अपन उसका इंटू 4 का इंटू किसमें कर देते हैं 72 के साथ तो हो जाता 288 कितना हो जाता है 288 अपॉन में कौन आया 2 तो हमारे पास क्या बचेगा 17 प्लस माइनस 1 अपॉन 2 तो आप क्या करेंगे इसके दो साइन हो जाएंगे x इज इक्वल टू 17 प्लस 1 अपॉन 2 जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 18 अपॉन 2
तो x इज इक्वल्स टू हो गया 19, और जब नेगेटिव साइन लेंगे तो x इक्वल्स टू 17 माइनस 1 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 16 अपॉन 2 कितना आ गया 8, ये बन गया देखो 8 और ये हो गया 9, 9 प्लस 8 कितने होते हैं 17, 9 8 जो 72 होता रहा था फैक्टर, ठीक है। तो इस तरह से अपना नंबर क्या हो जाएगा, देन नंबर 9 एंड अदर नंबर 17 माइनस 8 कितने बचेंगे, ए 9 कितने बचेंगे 17 में से 9 तो 6 है, 6 ओके कंफर्म, बिल्कुल कंफर्म। अब यदि इफ एक नंबर हो गया आपका 8 तो बताइए देन अदर नंबर क्या हो जाएगा 17 माइनस 8 कितना बचेगा 7 बचेंगे, मुझे लग रहा 9 बचना चाहिए और यहाँ पर भी 8 बचना चाहिए, वही तो बोला था मैंने। ओके तो जब ये पहला नंबर 9 होगा तो दूसरा नंबर 8 होगा, जब दूसरा नंबर 8 होगा तो अदर नंबर 9 होगा आपका, ओके क्लियर। नेक्स्ट इफ टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका स्क्वायर कर दिया जाए तो कितना आना चाहिए 365 आना चाहिए। अब कॉन्सिक्यूटिव नंबर यानी कैसे नंबर, ऐसे नंबर जैसे 1, 1 के बाद क्या है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, मतलब एक के बाद एक संख्या आती जाती है। तो उसको ले लो, लेट बी द नंबर, पहला नंबर x एंड अदर नहीं x प्लस 1, एक नंबर एक फिर दो फिर तीन, तो मतलब अल्टरनेट चलता जाता है, हर एक में क्या जुड़ रहा है एक एक ऐड हो रहा है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका भी स्क्वायर कर दो और इसका भी स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाता है 365, ये हो गया एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, याद है फॉर्मूला है आपको, यहाँ हो जाएगा ऐसा एक्स स्क्वायर कितने हो जाएंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये 1 ये 365 इधर आएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 364। यदि मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूँ, 2 से डिवाइड कर दो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 1 2 2 8 जो 16 2 2 जो 4। अब इसके फैक्टर करना आपको कितना है 184, यदि आप इसके फैक्टर करोगे तो इसके फैक्टर मेरे हिसाब से तो आना चाहिए 14x माइनस 13x माइनस 182। अब जैसा भी इससे पहले वाले क्वेश्चन में करके देखा तो करके देख लेते हम 182 किया हमने फैक्टर किया, क्या आएगा बताइए, करते हैं अपन अभी जस्ट देखो पहले करो 2 से करेंगे तो 91। अब बताइए 91 किसका होता है 91 से, अपन ने गलती कहाँ किया याद है आपको, देखो कहीं गलती करी डिवाइड में किया हम, वही मैं सोच रहा था नहीं डिवाइड तो सही 182 तो आ रहा है 182 आ रहा है तो 2 9 18 और 2 1 2 और बताइए संख्या ऐसी 91 जी सर 182 का आपने को फैक्टर करना है, 17 नहीं हो सकता सर, और कोई ऐसी संख्या बताइए 70 प्लस 21 किससे होगा 7 की, चलिए और कोई चलो 7 से लगाए क्या हो गया 70 13 और 13 से 13 हो गया, ओके। तो हमने देखा कि ये जो 14 है ये 14 कैसे बन गया, यहाँ 14 बन गया और ये 13 बन गया, इस तरह से हमारे फैक्टर्स हो गए थे। 14 into 13 करोगे तो 182 हो जाएगा, यहाँ से x को यदि कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 और यहाँ से यदि 13 कॉमन लेंगे तो x प्लस 14, ओके। तो यहाँ x माइनस 13 हो जाएगा और हो जाएगा x प्लस 14,
तो हमने क्या देखा, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 13 और x इज इक्वल टू माइनस 14, इसको नेगलेट मान लेंगे। क्यों? क्योंकि यदि एक नंबर पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, तो बताइए देन नंबर x इज इक्वल टू 13 एंड अदर नंबर x प्लस 1 मतलब 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा 14, मतलब हमारे दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर एक होगा 13 और एक क्या होगा 14 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो फॉर्मूला मेथड से करना है। फॉर्मूला मेथड जो है अभी अपन ने लगा चुके हैं हर क्वेश्चन में, तो इन दो क्वेश्चन की बजाय मैं खाली एक ही बताऊंगा आपको। क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू कौन है बेटा 2, b इक्वल माइनस 7, c इज इक्वल टू 3। फॉर्मूला क्या है, x इक्वल माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, क्या हो जाएगा 7 प्लस का, 7 प्लस का हो जाएगा। चलो ठीक है रखे, तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस 7 प्लस माइनस माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 हो गया प्लस का 7 और 49। ओके, तो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू, ये प्लस का 7 प्लस माइनस 49 माइनस 24 डिवाइड बाय 4 क्या होगा 7 प्लस माइनस 25 अपॉन में 4, ये हो जाएगा 5 का होता है, ये लिखा 5 अपॉन 4, ये x की वैल्यू आ गई, यहाँ से x क्या हो जाएगा प्लस साइन ले लें, प्लस साइन लेंगे तो x इक्वल हो जाएगा 7 प्लस 5 अपॉन 4 12 अपॉन 4 मतलब कितना हो गया 3, जब हम माइनस साइन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 5 अपॉन 4 2 अपॉन 4 मतलब 1/2 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसलिए नहीं करा रहा हूँ कि आप कर सकते हो, सेम एजिटेज है, जैसा ये करा वैसा कैसे हो जाएगा। ओके, अब आती है एक और मेथड जिसको बोलते हैं कंप्लीट स्क्वेयरिंग मेथड। कौन सी मेथड होती है, कंप्लीट स्क्वेयरिंग मेथड। ये भी बहुत अच्छी है, कैसे होगा, इसमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये बहुत अच्छा तरीका है। सबसे पहले तो क्या करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस x को यहीं रखेंगे, इधर वाली चीज को उधर पहुंचा देते हैं, और x स्क्वायर हमेशा इसमें क्या होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, तो हम x से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा यहाँ पे 1/2x और यहाँ भी हो जाएगा माइनस 4, मतलब जो 2 कोफिशेंट ऑफ x स्क्वायर होता है ना उसे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 1/2x इज इक्वल टू माइनस का 2। अब इसका एक फंडा होता है, हमेशा इसमें 2 भी लेते हैं हम लोग, ये ना 2 भी इज इक्वल टू कोफिशेंट ऑफ x, x का कोफिशेंट कौन है माइनस 1/2, तो बताइए b की वैल्यू कौन हो जाएगी माइनस 1/4, तो b का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/16। ये हर क्वेश्चन में जिसमें कंप्लीट स्क्वायरिंग पूछी है तो उसमें करना पड़ेगा, और यहाँ कौन आया 1/16, तो हम क्या करेंगे दोनों साइड इधर भी 1/16 को प्लस करेंगे और इधर भी 1/16 को प्लस करेंगे, तो फॉर्मूला बन गया आपका ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का, ये हो गया आपका x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, इसका एलसीएम लेंगे 16 दूनी 32 होते हैं प्लस 1/16, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बचेगा यहाँ पर 31/16 बचेगा, कितना बचेगा आपका 31/16 इसका बचेगा। तो इसमें एक कन्फ्यूजन ये हुआ है कि देखो यहाँ पर नेगेटिव साइन हुआ है तो आपके क्वेश्चन में यहाँ पर आई थिंक मुझे लगता है कि माइनस वन होना चाहिए, कितना होना चाहिए माइनस, यदि यहाँ पर माइनस होगा तब ये चीज इधर आएगी काय की हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा यहाँ भी प्लस हो जाएगा यहाँ भी प्लस हो जाएगा यहाँ भी प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। तो इससे हम देखेंगे x माइनस 1/4 इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 33/16, आगे साइन काय का आ गया, क्यों आया, क्योंकि स्क्वायर रूट निकाला हमने। अब क्या हो जाएगा यहाँ से x इज इक्वल टू 1/4 प्लस माइनस अंडर रूट 33, नीचे हो गया
फोर क्यों होगा फोर क्योंकि उसका एस क्यू निकालेंगे. अब एक बार प्लस साइन लेंगे तो एक्स इक्वल होगा वन बाई फोर प्लस अंडर रूट 33 अपॉन 4. सोल्व करेंगे तो 1 प्लस रूट 33 अपॉन 4. ओके जब माइनस साइन लेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 बाई 4 माइनस रूट 3 अपॉन 4. ये होगा 1 माइनस रूट 3 अपॉन 4. ये सारे जो क्वेश्चन है आपके वो कितने मार्क्स के हैं? 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं. बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट उसमें लेके आएंगे. थैंक यू वेरी मच.